हार्दिक बधाई देता हूं। चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हुई, इसके लिए मैं श्रीलंका की जनता को बधाई देता हूं। श्रीलंका में लोकतंत्र की मजबूती और परिपक्वता बहुत गर्व और खुशी का विषय है। यह हमारे लिए सम्मान की बात है कि राष्ट्रपति राजपक्ष ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना और पद संभालने के 2 हफ्ते के भीतर ही भारत में हमें उनका सम्मान करने का मौका दिया। यह भारत और श्रीलंका के मित्रतापूर्ण संबंधों की मजबूती और डायनेमिक्स का प्रतीक है। यह इस बात का भी संकेत है कि दोनों देश इन संबंधों को कितना महत्व देते हैं। दोनों देशों की प्रगति और हमारे इस पूरे साझा क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए हम राष्ट्रपति राजपक्ष के साथ घनिष्ठ रूप से काम करने के लिए तत्पर हैं। एक्सलेंसी, आपको प्राप्त जनादेश एक संगठित, मजबूत और समृद्ध श्रीलंका के लिए श्रीलंका के लोगों की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करता है। इस संबंध में भारत की शुभेच्छा और सहयोग हमेशा श्रीलंका के साथ है। एक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध श्रीलंका न केवल भारत के हित में है, बल्कि संपूर्ण इंडियन ओशन रीजन के भी हित में है। फ्रेंड्स, भारत श्रीलंका का सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी और एक भरोसेमंद मित्र है। दोनों देशों के नजदीकी संबंधों का मजबूत आधार हमारे ऐतिहासिक, एथनिक, भाषाई, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संपर्क है। मेरी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर डॉक्ट्रिन के अनुरूप हम श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देते हैं। हमारे दोनों देशों की सुरक्षा और विकास अविभाज्य हैं और इसलिए यह स्वाभाविक है कि हम एक दूसरे की सुरक्षा और संवेदनशीलताओं के प्रति सचेत रहें। आज राष्ट्रपति जी और मेरे बीच द्विपक्षीय संबंधों तथा परस्पर हित के अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर बहुत अच्छी और लाभप्रद चर्चा हुई। हमने निर्णय लिया है कि दोनों देशों के बीच बहुमुखी साझेदारी और सहयोग को हम मिलकर और मजबूत करेंगे। मैंने राष्ट्रपति जी को श्रीलंका के साथ विकास की साझेदारी के लिए भारत की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया है। हमेशा की तरह यह सहयोग श्रीलंका के लोगों की प्राथमिकताओं के अनुसार होगा। $400 मिलियन की एक नई लाइन ऑफ क्रेडिट से श्रीलंका में इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास को बल मिलेगा। मुझे विश्वास है कि इससे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचेगा। साथ ही यह लाइन ऑफ क्रेडिट दोनों देशों के बीच पारस्परिक लाभ के प्रोजेक्ट कोऑपरेशन को भी गति देगी। हमें खुशी है कि इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में आंतरिक विस्थापितों के लिए 46,000 घर बन चुके हैं। अब कंट्री रीजन में भारतीय मूल के तमिलों के लिए 14,000 घरों के निर्माण में अच्छी प्रगति हो रही है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हम श्रीलंका में सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए पहले घोषित $100 मिलियन क्रेडिट लाइन को जल्दी उपयोग में लाने पर सहमत हुए हैं। हमारे बीच भारत द्वारा श्रीलंका में एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में अनुदान के अंतर्गत 20 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स
और अन्य पीपल सेंट्रिक प्रोजेक्ट पर भी अच्छी चर्चा हुई है।